अच्छा तो कहाँ जा रहे हैं हम इस वक्त बता सकते हो मुझे? नैना सरप्राइज मतलब मदद करने, मतलब तुम मेरी मदद करने जा रही हो और वहीं जाकर बताऊंगा। और मेरे ख्याल से इस वक्त हमें सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए, तो तुम तैयार हो ना नैना? आयला और बाजिल भाई है ना? वैसे यहाँ क्या लेने आए हैं? हाँ नैना सबर करो, सब पता चल जाएगा, चलो। अच्छा ही होता, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ओके बाय। नैना रुको एक मिनट, ये क्या क्या है? और बस पहुँच गए। बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। नहीं नहीं नैना, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि पूरी बात नहीं बताई थी। हाँ लेकिन ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं जिसमें तुम्हें मेरी मदद चाहिए। ऐसे कैसे तुम्हें नजर नहीं आ रहा नैना? देखो इतनी खूबसूरत टेबल सजी है जिस पर इतने मजे के खाने हैं, और ये सब मैं अकेले तो खा नहीं सकता। ये सब तुम्हें जेब नहीं देता। ये तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जरूर जेब देता है। कैप्टन हम तैयार हैं। हाँ तुम इस नैना बैठिए। अपना बैग दे सकती हैं मुझे? एक मिनट। हेलो बाजिल, कैसा चल रहा है मेरे भाई? जबरदस्त, यहां भी सब कुछ बहुत अच्छा है। नैना मुतासिर तो हो गई, मुझे लगता है वो आज रात मुझे माफ कर देगी। अच्छा तो ये बात है, मैं कितनी आसानी से बेवकूफ भी बन गई, और इसको लगता है कि मैं इसे माफ भी कर दूंगी। जरा खुशफहमी तो देखो इसकी यार। नैना सिनान की बात कर रही हूँ तुमसे, अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है या तकलीफ पहुँचाई है तुम्हें, तो वो तुम्हें मनाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, बल्कि तुम्हारी सोच से बढ़ के कुछ करेगा। लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, देख लेना सिनान, आखिर मैं भी इंसान हूँ यार, जब देखो मेरा दिल तोड़ देता है। हद है। नैना खाना शुरू करें क्या? दरअसल सिनान मैं सी फूड इतने शौक से नहीं खाती हूँ। नैना तुम खानों को तो ऐसे देख रही थी जैसे सब कुछ पसंद आ गया, लेकिन अब क्या हुआ? नहीं तो हुआ तो कुछ भी नहीं, बस मैंने अभी यहाँ बैठ के सोचा है कि अब से मैं सी फूड नहीं खाऊंगी। मजाक कर रही हो ना तुम? नो सीरियस हूँ मैं, क्योंकि मछलियों की भी फैमिली होती है ना, इसलिए मैंने सी फूड खाना छोड़ दिया है बस। यार मैंने दरअसल ऐसा कुछ सोचा नहीं आज तक, कुछ और ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे भी काम चला लूंगी, फिक्र नहीं करो। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मैं अभी ब्रेड खा लेता हूँ, बस मूड अच्छा रहना चाहिए और कुछ नहीं।
नैना दरअसल मैं डॉक्टर एक बात तो बताएं कि यहाँ इस वक्त बगले होंगे। यार नैना ये बगलों की बातें लेकर क्या बैठ गई हो, हम बाद में ही बात कर सकते हैं इस बारे में। अच्छा तो तुम्हें अब मेरा बात करना भी बुरा लग रहा है? अगर ऐसी ही बात है तो हम बात ही नहीं करते, ठीक है? अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हें मेरी हर बात का बुरा जो लगता है। नहीं तो मुझे बुरा तो बिल्कुल नहीं लगा, दरअसल इस टाइम बगले थोड़ी होते हैं रात में, लेकिन हो सकता है हमारी खुशकिस्मती से रात में भी आ जाए। हाँ ऐसा करता हूँ मैं भी उठा लेता हूँ, हम यहाँ से रोटी के टुकड़े फेंकेंगे और बगले इन्हें कैच कर लेंगे। अभी देखना एकदम से ऊपर से बगले आएंगे और यूं कैच करके ले जाएंगे, ठीक कह रहा हूँ ना? वही कर रही हूँ मैं भी, देखते हैं अब कब आते हैं बगले। नैना मेरे ख्याल से हमने बहुत खिला दिया, अब बस करें क्या? नहीं तो देखो अभी भी मछलियाँ आ रही हैं खाना खाने। शायद अब तो मछलियों का भी पेट भर गया है, और तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है मुझे। यार वो देखो कितना हसीन मंजर लग रहा है इस्तांबुल का, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? वैसे मेरी नजर में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर इस्तांबुल है। दरअसल मुझे भी इस्तांबुल बहुत ज्यादा पसंद है, मगर इस बारे में हम बाद में बात करें। एक मिनट, अब गुस्सा मत करना मुझ पे। नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा मैं। नैना तुमसे मिलने के बाद बहुत बदल गया हूं मैं, यानी जब तुम्हारे साथ होता हूं तो मैं एक बदला हुआ इंसान होता हूं। हाँ मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहां लेकर आया, लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी नैना। मत भूलो नैना, इसने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। हर बार तुम रंग में भंग डाल देती हो, अगर तुम उनके मामले में ना पड़ती तो अब तक बाजी लायला को प्रपोज भी कर चुका होता। हर बात में टांग अड़ाना जरूरी नहीं होता, समझ आई तुम्हें? और हाँ एक और बात, तुम सबको खुश नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, इसलिए कोशिश भी मत किया करो। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ अगर बुरा ना मानो? तुम्हें क्या जरूरत थी ये बोटिंग और डिनर अरेंज करने की? मेरा मतलब अब ये सब कौन करता है? यानी मेरे ख्याल से ये सब कुछ बहुत पुराना हो गया है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा, समुद्री हवा से एलर्जी है मुझे। नैना क्या हुआ, अभी एक मिनट पहले तक तो ठीक थी। वो तो मैं अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन अब ज्यादा तबीयत खराब होने लगी है। पता नहीं कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ। सिनान चलते हैं ना, ऐसा ना हो कि मैं यहीं गिर जाऊँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आई ऐसा लग रहा है वोमिट हो जाएगी। सिनान प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो, मुझे थकन महसूस हो रही है, मेरा सर घूम रहा है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ठीक है ठीक है। कैप्टन वापस मोड़ ले, जहां से आए थे वापस ले ले, आगे नहीं जा रहे। ठीक है भाई मोड़ लेता हूँ। रोटी खाई है? हाँ रोटी जी, ताकि तबीयत बेहतर हो जाए। तबीयत खराब, जैसे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि तुम करना क्या चाह रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो ये जानते हुए कि मैं डॉक्टर हूँ। नैना अब ठीक हो तुम? कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? वैसे तो मैं एक अच्छी अदाकारा हूँ, लेकिन लगता है इसको अंदाजा हो गया है। नैना ठीक हूँ मैं अब। अगर कहो तो तुम्हें ऊपर तक छोड़ा हूँ मैं? नहीं इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया। पक्का? बिल्कुल पक्का, मैं चली जाऊंगी खुद। ठीक है गुड नाइट। गुड नाइट। नैना वाकई ठीक हो ना तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ, बेहतर हूँ मैं, बस जाकर अब आराम करूंगी। खुदा हाफिज़।
कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो सोचना होगा नैना को प्रपोज करने के लिए, कुछ तो करना होगा। समझ नहीं आ रहा कि नैना का प्रिंस उसे शादी के लिए कैसे बनाए। आबिद, ये मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, अगर अब भी तुम ठीक से ना समझे तो बता रहा हूं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। काटता वाट तो नहीं है? हाँ ओके। सुनो फिर से, जब तुम हॉस्पिटल जाओगे तो अपनी अदाओं और बातों से कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लोगे। मतलब मुझे तो तुम हैंडसम नहीं लगते, लेकिन शायद दूसरे लोगों को लग जाओ। खैर, तुम उसके बाद वो गाना गाना शुरू कर देना जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है? नैना तुम्हें ऐसे देखकर शॉक्ड रह जाएगी, और फिर मैं एक अच्छी सी एंट्री मारकर उसे प्रपोज कर दूंगा। आबिद, प्रपोज करेगा ये? आखिर वो दिन आ गया, सब याद कर लिया है, अब सारा काम आबिद का है। पता नहीं इस पागल को मैंने अपने प्लान में शामिल करके ठीक भी किया है या नहीं। अब तुम इंसल्ट करो मेरी, एक तो इतने बड़े होकर इंसल्ट करो एक इंसान की, वो भी उस इंसान की जो तुमसे इश्क करता हो। मजाक कर रहे हो? हरगिज नहीं, जब दो इंसान आपस में साथ रहते हैं तो उन्हें इश्क हो ही जाता है। अच्छा बस करो, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। हाँ तुम्हें मेरी बातों पे क्यों हंसी आएगी, तुम्हें तो सिर्फ नैना की बातों पे हंसी आती है। अच्छा बताओ कौन सा गाना गाओगे? कौन सा गाना था यार? आबिद, वो रहा तुम्हारा निशाना। हाँ देख लिया मैंने। ऐसा करो, तुम कैंटीन से अंदर जाओ या फिर पीछे की तरफ से आओ, वरना वो तुम्हें देख लेगी। अगर वो मुझे देख भी लेगी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वाकई? मेरे ख्याल से अगर दो जिगरी दोस्तों को वो साथ देख भी लेगी तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली डॉक्टर। अच्छा तो ऐसे ही सोचते रहो और बात सुनो मेरी, सब कुछ ठीक से होना चाहिए। अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा करो, और तुम्हें गाना तो याद है ना? याद नहीं। इश्क ममनू था कभी, मगर अब इश्क करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यार आबिद, कितनी बार बता चुका हूं मैं तुम्हें, अब मजीद क्या करूं, तुम्हें शामिल करके मैं वैसे ही पछता रहा। प्लीज यार ढंग से कर लो, मुझे पता है तुमसे नहीं होगा, लेकिन प्लीज। मेरी जिंदगी में पहली दफा किसी ने मुझसे ऐसे बोला है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा अभी ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मिस नैना, गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं देंगी क्या? डॉक्टर दरअसल मैं फाइल देखने में बिजी थी। आयला ने मुझे बहुत सारा काम दिया है जो मुझे जल्द खत्म करना है, बस इसीलिए ध्यान नहीं गया आपकी तरफ। क्या आप एक घंटे बाद कैंटीन आ सकती हैं? मुझे आपसे जरूरी काम है बहुत। ठीक है ठीक है, आ जाऊंगी एक घंटे बाद कैंटीन में ना। लेकिन अभी क्या करना था मुझे? शायद मुझे टॉयलेट जाना है। अल्लाह करे मैं तुम्हें इस बार ठीक से सरप्राइज कर सकूं ना। जूनियर जरा बात सुनो मेरी, मैं जानता हूं तुम लोगों ने सब सुन लिया है, अगर तुम लोगों ने किसी के सामने मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं डॉक्टर। जी डॉक्टर। ख़वातीनो हज़रात, हमारा शो तैयार है। आबिद अब आपके सामने एक शो लेकर आ रहे हैं, सेहर अंगेज परफॉर्मेंस जिसे देखकर आप तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो क्या आप लोग देखने के लिए तैयार हैं? इससे तो देखो जरा पाक। चलो लड़कियों, क्या तुम लोग तैयार हो जिस तरह से मैंने तुम लोगों को डांस सिखाया था? चलो अब सब साथ मिलकर परफॉर्म करेंगे। ओके लो, हमारा हीरो भी आ गया। तालियां, और तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक हीरो चढ़ ना जाए। वेलकम डॉक्टर सिनान, आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ तैयार है, म्यूजिक भी शानदार है, और लड़कियों ने परफॉर्मेंस भी तैयार कर रखी है, और नैना को भी मैसेज कर दिया किसी भी वक्त वो आ जाएगी। मैंने कहा था ना कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ये नैना वहां क्या कर रही है? चलो चलो लड़कियों खड़ी हो जाओ फौरन। मलिक म्यूजिक लगाओ, हम डांस के लिए तैयार हैं। मुझे यहां नहीं ढूंढ सकेगा वो।
आई, ये तो मेरी अम्मी का फेवरेट गाना चल रहा है यार। आई क्या कर रहे हो, म्यूजिक बंद करो फौरन। चलो सब बैठो, मैंने कहा था तुम लोगों से खड़े होने के लिए। हाँ, जब देखो डांस शुरू कर देते हो। बैठो फौरन। आबिद, ये नैना लग रही थी तुम्हें? हाँ, ये तैयारी की है तुमने इस किस्म का डांस? ये सब तो ऐसा लग रहा था जैसे। बस चुप हो जाओ यार, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं हम, और उसके बाल लेना जैसे, इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुम कितने नाशुक्र आदमी हो, कितनी मेहनत की है मैंने तुम्हारी वजह से। आबिद, तुम मुझे मजीद पागल मत करो, पागल हो जाऊंगा मैं। नैना, तुम कहाँ पर थी? हाँ, मेरा फोन तक नहीं उठा रही। डॉक्टर, वो क्या है ना, मैं टोमोग्राफी करवा रही थी एक मरीज की, मेरा मोबाइल साइलेंट पे था तो इसलिए आपकी कॉल आने का पता ही नहीं चला। नैना, पूरे हॉस्पिटल में तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं था जो वहाँ पर जा सके। हाँ डॉक्टर, दो दिन से तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूँ, एक घंटे पहले कहा था कैंटीन आ जाओ, मगर नहीं। क्यों? क्योंकि नैना साहबा की आना सबसे ज्यादा है और इसीलिए तुम वहाँ नहीं आई, सब कुछ खराब कर दिया और सारी मेहनत बेकार गई। कहा था ना तुमसे, मैं हमेशा ना चाहते हुए भी कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती हूँ, और तुमसे भी बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, हमारे दरमियान कभी कुछ था, लेकिन अब सब खत्म हो गया, जैसे फेरी टेल्स में हो जाता है। It's okay to cry. As long as you let him go, it wasn't your fault. You didn't know. Pathological lies I rarely found out. You're one of the lucky ones. Though you can't see it now, it's okay to heal. Take the time that you need. Yeah, I know that you're stronger than what you believe. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आबिद, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? और ये बताओ, सिनान कहाँ है? किसी भी लम्हे सर यहाँ पर पहुंच जाएंगे मैम। लीजिए अब मेरा हाथ थामिए और मेरे साथ चलिए। अब आप, मुझे आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी गई है। अब ये क्या ड्रामा है? तो मैम, ये है आपका कमरा, आपका सारा सामान और कपड़े यहीं पर मौजूद हैं। अब आप आराम से यहाँ पर तैयार हो सकती हैं, जब तक मैं आपका बाहर इंतजार करूँगा मैम। ठीक है आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब बेहतर होगा कि आप चले जाएं। ये बालों के साथ क्या किया है तुमने? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे पूरा यकीन है सिनान कि इस बार तुम मुझे जरूर मना लोगे। Thank you.
कौन हैं आप? बताइए ना प्लीज कि आप कौन हैं। खैर, क्या ये हसीन प्रिंसेस मेरे साथ डांस करना चाहेगी? करोगी तुम मेरे साथ? डांस नहीं करी यार, मना करेगी।